लेकिन पति के साथ, हालांकि हिंदू धर्म में सात जन्म की बात कही जाती है, एक स्त्री अपने पिता के साथ, और आज जो देश की दुर्दशा है, और भगवान जागता हुआ इंसान उतरे वही उतरते निचवे शादी हो गया। आज लोग परेशान इसलिए हैं। इसीलिए तो ये देश बहुत महान है। क्यों महान है ये देश? और आज जो देश की दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि बहुसंख्यक लोग पाखंड को ही धर्म मान बैठे। हरिद्वार में गीतांजलि का शोरूम है, वहां पे एक लड़की है मैनेजर श्वेता। तो ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि बेटा, बोली सर मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैं आपका शो देखती हूँ और मैं शंकर जी को अपना आराध्य मानती हूँ। मैंने कहा वाह शानदार, शंकर जी से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी तुमने? बड़े इधर उधर की बातें बताई। ये जो दो आंखें हैं इंसान की, ये व्यवहार के लिए है। पेड़ को देख के पहचान गई, जानवर को देख के पहचान गई, भाई मामा चाचा मौसी को देख के पहचान गई, इनके एक सीमित रोल है। ये है एक आंख, थर्ड आई। ये जब खुलती है, और ये एक ही चीज से खुलती है, ये थर्ड आई सिर्फ एक चीज से खुलती है, ध्यान। और जब ये खुलती है तो ये आपको एक चीज देती है, क्या? दृष्टि। और जब ये आपको विजन देती है तो आपके जीने का ढंग पूरा बदल जाता है। समझ रहे हैं इस बात? इसीलिए तो कि स्त्री देखने, पत्नी जब शादी देखने जाते हैं, स्त्री को तुम देखने गए और तुमने मना कर दिया कि मैं इस स्त्री से शादी नहीं करूंगा, तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। अगर देखने का इतना ही शौक होगा तो कहीं कोने वगैरह से देख लो, दूर दराज से देख लो, उसको पता ना चले कि तुम उसे देखने गए हो। पहले यार तो देखना ही गलत है, और क्या देख लोगे तुम एक दिन में? हिरनी जैसी आंख चाहिए, लंबी चाहिए, गोरी चाहिए। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसका सारा फीचर्स, फंक्शन, कलर भोग के लिए ही तो चाहिए। तो जब तुम किसी को भोग के लिए लाओगे तो वो तुमको नहीं भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा। तो जब वो तुम्हें भोगेगा तब तुम चिल्लाओगे, पत्नी परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मार रही है। तो जब दृष्टि पैदा हो गई तो अब तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि भाव, रिश्ता किस पर विकसित होता है? भाव पर। आज लोग क्यों परेशान है? आज लोग परेशान इसलिए हैं, धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, मानव के उत्थान का विज्ञान। जिसने धर्म को समझा वो भगवान की स्थिति में आ गया। सिद्धार्थ हमारे आपकी तरह, सिद्धार्थ हमारी आपकी तरह, मानव गरिमा को उठाने वाले पहले पैगंबर। आत्मा और ईश्वर की बात ही नहीं की, क्या बन गए? बुद्ध। हमने इन्हें भगवान मान लिया। हमारी आदत है ये, क्योंकि जब हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान और इंसान फर्क है। नहीं, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं। इंसान सोता हुआ भगवान है और भगवान जागता हुआ इंसान है। इंसान सोता हुआ भगवान है, वो पता ही नहीं कि वो भगवान है, और भगवान जागता हुआ इंसान है। इसलिए बुद्ध ने कोई आत्मा ईश्वर की बात नहीं की। बोले पता कर लो यार, उधार का ज्ञान लेके क्या करोगे? चार आर्य सत्य, भगवान कृष्ण कि कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, मंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी लीला करो, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये है धर्म। तुमने धर्म को मान लिया इच्छा पूर्ति का माध्यम, सीढ़ी वाले के बाबा के यहां चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। काशी विश्वनाथ चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। धर्म इच्छाओं का ही तो विरोध कर रहा है, और तुम किस लिए जा रहे हो? इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान से तुम मांगने जा रहे हो क्या? भगवान से तुम भगवान को नहीं मांग रहे हो, तुम भगवान से क्या मांग रहे हो? पत्नी मांग रहे हो, पति मांग रहे हो, बच्चा मांग रहे हो, नौकरी मांग रहे हो, कार मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हारे लिए भगवान कीमती नहीं है। अरे मंदिर जाओ तो भगवान को ही मांग लो, मस्जिद जाओ तो अल्लाह को ही मांग लो ना। तुम करो, आपके भी जरूरत नहीं है। इसमें कुछ दिलवा दो तो तुम्हारी महिमा गाए कि अरे भैया वैष्णो देवी गए थे, चार शादी हमारा टूट चुका था,
वैष्णो देवी गए, पता नहीं क्या हुआ, उतरे वही उतरते निचवे शादी हो गया। अब मैंने श्वेता से कहा कि श्वेता एक बात बताओ कि तुम अपने पिता के साथ कितने समय तक रह सकती हो? बोली सर आजीवन रह सकती हूँ। मैंने कहा पति के साथ? बोली निर्भर करेगा सर। मैंने कहा देखा, एक स्त्री अपने पिता के साथ जीवन भर रह सकती है लेकिन पति के साथ कंफर्म नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में 7 जन्म की बात कही जाती है, कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्री और पिता का जो संबंध है वो भाव का है लेकिन स्त्री और पति का जो संबंध है वो 98% भोग का है। तो जो भी शिव की पूजा करेगा उसे ध्यानी होना ही पड़ेगा। अगर वो ध्यानी नहीं है तो दृष्टि कभी नहीं विकसित होगी और अगर दृष्टि या विजन विकसित नहीं हुआ तो जीवन सहज सरल और अच्छा कभी नहीं होगा। भगवान राम की पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान राम की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज होगी वह है तपस्या। मोदी जी ने जवानी में कर ली, आज भोग रहे हैं। राहुल जी ने जवानी में नहीं की, अब कर रहे हैं। सबको करना है, करना ही करना, कोई रास्ता ही नहीं। बहुत सारे लड़के दिल्ली इलाहाबाद कोचिंग किए, पटना कोचिंग किए, पैसा था तो दिल्ली भी कोचिंग किए, 4-4 कोचिंग किए, फिर भी परेशान है। भाई बहुत सारे लोगों के घर में पैसा है, तो एक कोचिंग किए फिर कहा कि नहीं यहाँ तो ठीक नहीं था, फिर दूसरे किए, फिर तीसरे, 4-4 कोचिंग किए। कई सारी भारत में जाती है जिनके पास बहुत सारे अटेम्प्ट है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तपस्या मिसिंग है, कंपल्सरी है, करना ही है। आप चाहे क्लर्क के घर में पैदा हुए हो, चाहे चपरासी के घर में, चाहे राजा के घर में, करना है। जो तपस्या नहीं करेगा उससे जीवन जिंदगी भर मेहनत कराएगा, मजदूरी कराएगा, सेवक बना देगा, जीवन सफल हो जाएगा। शंकर की आराधना करने से क्या होता है? दृष्टि विकसित होती है, विजन विकसित होता है। क्योंकि शंकर जी का सबसे मेन फीचर क्या है? तीसरी आंख। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग कहते थे, एक दूसरे से कहानी सुनाते थे कि शंकर जी जो दिन तीसरी आंख खोल दे ना, परलय हो जाएगा, सब दुनिया इधर उधर हो जाएगी। ये है शिव भगवान की पूजा करने का महत्व। थर्ड आई, कोई स्कूल में इसको विकसित करने का फॉर्मूला, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है सिगरेट पीते हैं। मैंने तो खुद देखा सिगरेट पी रहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल रटे हुए, स्मृति वाले लोग, स्मृति रटे हुए, ज्ञान नहीं है इनके पास, इंफॉर्मेशन है। इसीलिए भारत में आदियोगी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। ये दृष्टि पैदा हो जाएगी और जब दृष्टि पैदा हो जाएगी तब वो भोग पर संबंध नहीं बनाएगी, वो भाव पर बनाएगी और जो संबंध भाव पर होंगे वो कयामत तक चलेंगे।